लाफिंग, हंसना, डांसिंग, डांस कर। थैंक यू। बोल रहे हैं कि यूनिवर्स में ब्रह्मांड, मतलब कि ब्रह्मांड में बहुत सारे गैलेक्सी है। हमारा सन खड़ा हो नहीं सकते, दिन में खड़ा रहते तो कितनों खड़ा नहीं सकते, जब बाल दूंगा मोटा होगा तो क्या होगा, खड़ा नहीं हो पाए। तो बैठ जाए तो पैर बजन नहीं खड़ा तो हम कपड़ा लगा देते हैं, है ना। और सही बोला खड़ा रहा ठीक है सर, ठीक है। क्या चीज क्या होता है, ठीक है सर, ध्यान देना इस पर। विभाग क्या करेगा, देखो यूनिवर्स में बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स है। उस मिलियंस ऑफ स्टार में कहा गया कि बिलियंस ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारा स्टार मान लो, उसमें बहुत छोटे छोटे भाग में स्टार्स को बांट दिया गया। तो कहा गया बाबू कि अगर 100 बिलियंस मतलब 200 करोड़, ठीक है, 200 बिलियंस, 1 बिलियन में 10 करोड़, 200 बिलियन मतलब क्या हो गया, 10 करोड़ का कितना पीस, 200 पीस, 10 करोड़ का 200 पीस स्टार्स एक गैलेक्सी में पाया गया। उस गैलेक्सी को क्या नाम दिया हम लोग, मिल्की वे। उसी स्टार्स में से एक स्टार हम लोग का सन भी आता है। हम लोग का कौन, हम जिस गैलेक्सी में क्या कहोगे, सन। सन के ही, सन जो आपका उसी गैलेक्सी का पार्ट है, सोच लो। और उस गैलेक्सी में हम लोग अर्थ भी आएगा, मून भी, सब उसी में आ जाएगा, ठीक है ना। अब कहा गया सबसे बड़ा यूनिवर्स, यूनिवर्स को छोटे छोटे गैलेक्सी में बांटा गया। गैलेक्सी बहुत छोटा, गैलेक्सी बहुत बड़ा अपने आप में है, बस थोड़ा मान रहे हैं उसको। उस गैलेक्सी का पार्ट कौन, सन है, मून है, अर्थ उसी का पार्ट है, जितना हम लोग का सोलर सिस्टम है सब उसी का पार्ट है। जिस तरह एक सन का फैमिली है, प्लेनेट 8 ग्रह होते हैं, नहीं प्लेनेट बोलते हैं लोग, मून बोलते हैं। जिस तरह एक सन का फैमिली है, उस तरह जितने स्टार्स हैं सबका अपना अपना फैमिली है, ठीक है। हर स्टार्स के खुद के फैमिली हैं। हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ किसका फैमिली, सन का फैमिली, क्योंकि हम लोग को घुमा कौन रहा है, सन घुमा रहा है, सन का ही फोर्स लग रहा है हम लोग के अर्थ पर, जिसका नाम घूम रही है, इसलिए पढ़ते हैं किसके बारे में, सन के बारे में, ठीक है। चलिए उसके बाद प्रभु कहा गया कि तुमने कहा भी एक वर्ड आया सर, टीनी मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, पढ़ते हैं इसको, टाइनी है, सही है। अनएडेड आई मतलब इस आंख में आप कुछ लगाए नहीं है बाहर से, ना तो कोई टेलीस्कोप है, ना ही कोई माइक्रोस्कोप है, मतलब बिना किसी एक्स्ट्रा पावर के आप जब कोई चीज को देखते हैं तो उसे कहते हैं क्या, अनएडेड आई, ठीक है। मीन्स एड कुछ नहीं किया आई में अपने, ठीक है। चलिए बढ़िया कमी आज ट्विंकल मतलब क्या होता है, आज दिमाना आगे बढ़िए। When viewed from the earth, when viewed मतलब देखना, आगे बढ़िए। Apart from the star and the moon, we can also sometimes see some other bright object in the night sky. These, however, do not twinkle. They are the planets. The word planet of a Greek origin and means देखिए हम लोग जब व्यू करते हैं आसमान में, ठीक है, तो आप देखते होंगे
सांपने वाला चीज एक सन दिखाई पड़ता है, एक स्टार दिखाई पड़ता है, मून दिखाई पड़ता है और प्लेनेट्स भी दिखाई पड़ता है कभी कभी, ठीक है, किसी खास भोजन पर पड़ते भी होता है। तो बाबू जो हम लोग सन देखते हैं, सन के पास सब जानते हैं, सन चमकता है क्यों, क्योंकि उसके पास खुद का लाइट है। स्टार चमकता है क्यों, उसके पास खुद का लाइट है। सन स्टार के पास खुद का लाइट है, अर्थ प्लेनेट है, देखते और चमकता है। और देखिए हम लोग पटे पर है ना, अर्थ पर देखते हैं चमकता है, इतना सब चमक रहा है क्या, नहीं चमकता है। वो बॉल बाहर दोगे तुम्हें, वो तो बाहर चमकाना हो गया। तो अर्थ नहीं चमक रहा है, लेकिन कई बार आप प्लेनेट को देख लिए इसका मतलब जरूर वो चमक रहा था, तब तो देख लिए। तू चमक ऐसे वहां पोल लगा हुआ है क्या, क्योंकि वहां पर सन की लाइट जो पड़ रही है उसके रिफ्लेक्शन के कारण चमका। आप देखते हो घड़ी यहां पर मिला है ना, घड़ी में ग्लास है, ग्लास में वाला मिरर लगा नीचे में, लाइट यहां आ रहा है। घड़ी को कभी कभी ऐसे करते हैं तो वहां पे गोल गोल बनता नहीं, बनता गोल ना, वो गोल गोल क्या है, रिफ्लेक्शन है किसका, उस लाइट का, किससे, इससे, ठीक है। तो सन का रिफ्लेक्शन जो आपका होता है उस कारण से आप किसी प्लेनेट को देख पा रहे हैं, ठीक है। प्लेनेट के पास खुद की लाइट नहीं होती है, हम जो प्लेनेट को देख पा रहे हैं चमकता हुआ वो क्यों है, दिखाओ। जब मून को क्यों देख रहे हैं, सन के रिफ्लेक्शन का, मून भी चमकता है सन के रिफ्लेक्शन के कारण ही। बहुत सारे प्लेनेट भी चमकते हैं सन के रिफ्लेक्शन के कारण भी, उसके पास खुद का लाइट नहीं होती, लाइट खुद किसके पास है, सन के पास है, स्टार के पास, सन भी स्टार ही है ना। अब कहोगे कि वो चमका क्यों, कौन चमका क्यों, स्टार्स, सन चमकता नहीं है, सन लाइट देता है, स्टार ट्विंकलिंग नहीं करता है, क्यों, कारण कौन क्या है कि बाबू जितना भी स्टार्स है सारे बने हैं गैस से, जितना भी स्टार है सारे बने हैं गैस से, कौन से गैस से, हाइड्रोजन गैस से, हाइड्रोजन और हीलियम गैस बोलते हैं, हाइड्रोजन और तो वहां पर क्या होता है, देखो सन चमका क्यों सिखा रहे हैं, गैस है वहां पर, गैस के मॉलिक्यूल, जब दो मॉलिक्यूल्स, जब दो एटम हाइड्रोजन कंबाइन किया, कंबाइन करने को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, कंबाइन करते हैं, उस कंबाइन करने का नाम क्या हो गया प्रोसेस का, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब न्यूक्लियस का मिलना, न्यूक्लियस का कंबाइन करना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण जब भी कोई दो न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। और उसके होने से तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एज वेल एज हीट। इस कारण से सन से हमें इतनी गर्मी मिलती, बहुत फ्यूल्स मतलब वहां बहुत बड़ा गैस का गोला बोलते हैं इसको, सन को, सन मिट्टी और बालू और पहाड़ नहीं है, क्या है, सिर्फ गैस है, कौन गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस, दो हाइड्रोजन गैस मिलेगा तो हीलियम बन जाता है, ठीक है। मतलब सन क्या है, गैस का गोला है, कोई आप सन क्या है, गैस का गोला है। मून पर गैस नहीं है, मून पर क्रेटर्स पहाड़ है, बहुत बड़े बड़े पहाड़, ऐसा पाया गया बहुत बड़ी बड़ी नदी वहां बहती है, बहती मतलब क्या, नदी में पानी नहीं बहता है, नदी का शेप में क्रेटर गड्ढा बना हुआ है, ठीक है। मून का जब सरफेस को ऑब्जर्व किया गया तो वहां कहीं कहीं देखते ना, रोड में कई बार गड्ढा होता है पानी के कारण, तो गाड़ी कभी कभी फिर ऊपर फिर उसने है ना, तो क्रेटर में गड्ढा बन गया, मतलब कि जो गड्ढा बन गया है वो गड्ढा जिस भी कारण से बना, वो गड्ढा जिस भी कारण से बना उस गड्ढे को कहा गया क्रेटर, ठीक है। तो मून पर, मून का सरफेस जो होता है उसमें क्रेटर होता है, बहुत सारे गड्ढे होते हैं और बहुत सारे पहाड़ भी होते हैं, मतलब कि ठीक है ना, पहाड़ के शेप में पाया गया है, मून का सरफेस सैंड बालू की तरह मिट्टी पाया गया है, वो चमकता क्यों है, सन के रिफ्लेक्शन के साथ, ठीक है। अब कोई आपसे पूछेगा शूटिंग स्टार क्या होता है, कई बार देखते होंगे रात के दिन छत पे सोते हैं तो कई बार देखेंगे तारा गिर रहा, नहीं तारा गिर रहा, अरे तारा नहीं गिर रहा है, वो आपका है शूटिंग स्टार, वो क्या है शूटिंग स्टार, मतलब कभी कभी रात में आपको फ्लैशिंग दिखाई पड़ता है, अचानक नहीं फ्लैश करता हो,
उस फ्लैशिंग ऑफ लाइट को कहते हैं कि हम लोग शूटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रात में कभी कभी हमें फ्लैशिंग दिखाई पड़ता है, उस फ्लैशिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार बोलते हैं, शूटिंग स्टार, ठीक है। तो जो फ्लैशिंग हमें दिखाई पड़ता है कभी कभी, दैट इज कॉल्ड शूटिंग स्टार। उसके बाद एक और है बाबू, जिसको कहते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, CELESTIAL, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, कहता है इसमें कि स्टार्स, लाइक स्टार्स हो गया, सन हो गया, मून हो गया, प्लैनेट हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, इन सारे को स्टार, स्टार्स, स्टार्स, सन सीमा गया, मून, मतलब जिसको हम देख पा रहे हैं उन सारे के कलेक्शन को क्या कहा दिया गया, सेलेस्टियल बॉडी। मून भी सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है, सन भी है, अर्थ भी है, ठीक है, अर्थ भी है, प्लैनेट भी है, अर्थ प्लैनेट है ना, जितना भी प्लैनेट है, मून है, सन है, ये सब स्टार्स है, ये सब क्या है, ये सब सेलेस्टियल बॉडी के ही गिनती में आता है, ठीक है, याद रहेगा, सब नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया ना। क्वेश्चन दिया आपको हम, ये बोल रहे हैं विच फेनोमेना, कौन सी घटना, विच फेनोमेना काउजेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द सन। मतलब पहला क्वेश्चन आपको मैं लिखाया हूं क्या, कि हम लोग का गैलेक्सी कौन है, व्हाट इज आवर गैलेक्सी। सेकंड क्या लिखाया हूं मैं, व्हाई मून एंड अदर प्लेनेट ब्राइट क्यों चमकते हैं वो, और तीसरा लिखा दिया आपको, फोर्थ लिखोगे व्हाट इज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, व्हाट इज सेलेस्टियल, CELESTIAL, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, व्हाट इज सेलेस्टियल, CELESTIAL, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। फील्ड को व्हाट इज शूटिंग अ स्टार, व्हाट इज शूटिंग अ स्टार, SHOOTING, शूटिंग अ स्टार, ठीक है, कर लोगे आराम से। चलिए आगे बढ़े हम लोग, अपना आगे बढ़े, राइट नेक्स्ट अगेन स्टार्स टॉपिक बना हुआ स्टार्स। गधा जितना भी स्टार है वो काफी हॉट है, काफी गर्म है, एंड ह्यूज, ह्यूज मीन्स काफी बड़ा है, ह्यूज मीन्स काफी बड़ा, हेवनली ऑब्जेक्ट, जानते हो हेवनली वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, मतलब कि ह्यूज एक हेवनली होता है, होता है हेवन, हेवन मीन्स होता है गॉड, ठीक है, और हेवनली मतलब होता है बड़ा, मतलब बहुत विशाल होता है, कौन स्टार, काफी गर्म होता है, काफी हॉट होता है ये, और लाइट भी देता है, क्यों, तो आपको टेस्ट दिखाए क्वेश्चन भी हम, कि हमें जितना भी स्टार्स है वो काफी हॉट और लाइट क्यों देता है, बिकॉज ऑफ द फेनोमेना न्यूक्लियर फ्यूजन, उसमें दो न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं। उसके बाद ये स्टार हमें डॉट की तरह दिखाई पड़ता है, कितना बड़ा उसके बाद भी डॉट, क्यों ये स्टार हमें डॉट की तरह दिखाई इसलिए पड़ता है, क्योंकि हमसे ये काफी दूर है, और हमसे ये काफी दूर है इस कारण से डॉट है। देखते होंगे आप लोग अगर यहां पर हैं, यहां से बहुत दूर देखते हैं, बहुत दूर क्यूल नदी देखते हैं, क्यूल पुल देखते हैं, तो क्यूल नदी दिखाई पड़ रही है, देखते हो जो आपका अभी चल रखा है कैमरा, इसको फ्लाइंग कैमरा कहते हैं, फ्लाइंग कैमरा होता है, ड्रोन कैमरा, सॉरी फाइन ड्रोन कैमरा मान लीजिए, फ्लाई भी करता है, उड़ता भी है, तो वो ड्रोन कैमरा जो होता है देखते हो गए इतना ऊपर से लेता है फोटो की पूरा लकी स्लाइड इतनी वो फोटो में आता नहीं आता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब लकी स्लाइड नहीं हुआ क्या, लकी बहुत बड़ा है, सही बात है कि नहीं, उसमें बहुत सारे मकान भी है, लकी स्लाइड इतनी दिखाई क्यों पड़ गया, चूंकि बहुत दूर से वो ले रहा है, और दूर जाएगा मक्खी से बन जाएगा, देखते हो आप लोग कभी एरोप्लेन का सफर नहीं किए हैं, कीजिएगा तो मालूम चलेगा जैसे जैसे उठोगे लकी स्लाइड बिंदी बन जाएगा, छोटा होते 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 होते
एक डॉट बन जाएगा और डॉट लखीसराय, ठीक है, और डॉट एक लखीसराय हो गया नहीं, क्यों, क्या बोले, लखीसराय मान लखीसराय गुजरात का, गुजरात आपका राइट, तब बता रहे वो इंडिकेट करता है हर जगह पर, ठीक है, इंडिकेट करेगा वहां पर, चलेंगे आपको लेकर के काफी फ्लाइट से, क्या हाँ बिल्कुल, अब उसके रास्ते में कौन सा आ रहा है कभी रीजन उसको दिखाता है, प्रेस करता है, चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलिए अब आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दे रहे डॉट दिखाई क्यों पड़ा, चूंकि हमसे काफी दूर है, ठीक है, उसके बाद आप सुनोगे कि हमसे पूछेगा कि डिस्टेंस जो लखीसराय से लेकर के कन्याकुमारी कितनी है, बोल देंगे इतना किलोमीटर, लेकिन फिर यहां से सन की दूरी कितनी है तो किलोमीटर में नहीं मापते हैं, मतलब कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को, स्टार टू सन है ना, सन सबसे करीब का स्टार है, सन से भी दूर स्टार हो सकता है, सबसे दूर का स्टार मतलब जो आपसे मतलब कि एकदम डॉट दिखाई पड़ रहा है, सन हमारा सबसे करीब का स्टार है, इसलिए कम से कम सन इतना बड़ा दिखाई पड़ता है, ठीक है, उससे भी दूर बहुत सारे स्टार्स हैं, वो स्टार बिल्कुल डॉट की तरह दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो काफी दूर है, नियरेस्ट स्टार कौन है, सन है, उससे बड़ा, उससे और बहुत दूर स्टार हम लोग का, सबसे दूर का स्टार का नाम दिया हुआ नहीं है कि, लेकिन ये कहा गया है कि जितना आप स्टार की बात कर रहे हैं वो हमारे स्टार से, सन से काफी दूर है, और सन से जो स्टार काफी दूर है वो डॉट की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, और उसके डिस्टेंस को किलोमीटर में ना माप करके लाइट ईयर में मापते हैं, क्या मापते हैं, लाइट ईयर टाइम नहीं है, लाइट ईयर लग गया टाइम हो गया, लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस, लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस, दिखाएंगे क्वेश्चन लिखिए, व्हाई स्टार्स अपीयर्स अस, व्हाई स्टार्स appears us like a dot, okay, right? Why a stars appears us like a dot, why a stars appears us like a dot, a star हमें dot के तरह दिखाई क्यों पड़ता है, ठीक है, इसका आंसर बोल सकते बिकाउज स्टार इज वेरी फार फ्रॉम अस, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे आपको, हाउ कैन वी मेजर द डिस्टेंस ऑफ ए स्टार फ्रॉम अस, मीन्स हम स्टार की दूरी को किस चीज में मापते हैं, तो इसका आंसर लिखिएगा लाइट ईयर, ठीक है, लाइट ईयर में मापते हैं, ठीक है, ये सबसे छोटा डिस्टेंस मापते हैं, आप लोग पढ़े होंगे मिलीमीटर में, उससे बड़ा हुआ सेंटीमीटर, उससे बड़ा मीटर, उससे बड़ा किलोमीटर, सबसे बड़ा लाइट ईयर, लाइट ईयर में मापते हैं डिस्टेंस, देखिए एकदम सिंपल जा रहा है, फिर आपसे पूछेगा व्हाट इज वन लाइट ईयर, ध्यान रखना इसका, वन लाइट ईयर क्या होता है, एक लाइट ईयर क्या होता है, कहोगे लाइट के द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की गई होती है उसे वन लाइट ईयर का, मतलब लाइट ईयर क्या है, तो कहना आपको पड़ेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर इज कॉल्ड वन लाइट ईयर, अरे है ना, लाइट के द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की गई होगी दैट इज कॉल्ड वन लाइट ईयर, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर इज कॉल्ड वन लाइट ईयर, ठीक है, अब कहोगे सर, अब क्या कहोगे, कहोगे सर लाइट का स्पीड क्या है, देखो वही फॉर्मूला प्रूफ करेंगे आपको, एक लाइट ईयर में कितना किलोमीटर प्रूफ करने वाले हैं, देखो एज वी नो
एज वी नो स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट का स्पीड पढ़े हैं सब, क्या पढ़े हैं? लाइट का स्पीड पढ़े, ध्यान दीजिएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन ईयर, एक वर्ष में जो दूरी तय होती है उसको क्या बोलते हैं? वन लाइट ईयर बोलते हैं ना, एक वर्ष में तय की गई दूरी को वन लाइट ईयर बोलते हैं। ध्यान देना बाबू, खुद करने वाला है फॉर्मूला, एक लाइट ईयर में कितना किलोमीटर, ध्यान दे रहे हो ना? डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? स्पीड कितना है बाबू? 3 × 10⁸। टाइम एक साल में कितना दिन? एक साल में 365 दिन। 365 दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। गुणा कर 365 दिन में 24 घंटा हो गया। अब इतना घंटा में कितना मिनट? 60। इतना मिनट में कितना सेकंड? 60। दिक्कत सबको सॉल्व करेंगे, इतना मीटर आंसर आएगा, क्या आएगा? इतना मीटर। स्पीड इंटू टाइम, दिन में था आवर में किए, साल में था दिन में किए, आवर में किए, मिनट में किए, सेकंड में किए। सबको सॉल्व घर में बैठ करके करते रहिएगा तो आंसर आते रहेगा, आते आते आंसर कितना आ जाएगा? 10⁻¹² किलोमीटर के करीब पहुंच जाएगा। ठीक है, ये मीटर में है, फिर ये किलोमीटर में आ जाएगा, आप 1000 से भाग दीजिएगा तो। ठीक है ना, इसको सॉल्व करके जो कुछ आएगा ना, 1000 से भाग दोगे इसमें इतना आ जाएगा किलोमीटर। ठीक है, एक लाइट ईयर में कितना किलोमीटर आता है ना, इसको बिल्कुल याद है आप लोग का।